शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आशा, क्या बात है? मेरे से खून हो गया है। मैं शादी करूंगा किरण दत्त से। हिम्मत है तो आगे बढ़। हेलो, राम सोनवानी, हम मूलचंद बात करता है। हाँ सही मूलचंद जी, हाँ सब ठीक है। हाँ अरे शादी की तारीख तो पक्की हो गई ना, हम सब रिश्तेदार को इन्फॉर्म कर दूं। अरे कार्ड छपा दूं शादी के, बोलो नी। अच्छा वादा हुजन तवा के। साईं मूलचंद जी, तां के भी बधाइयों। समझम, लख लख वादा हुजन। अच्छा साईं, नमस्ते। सुखदेव बेटा, तेरे ससुर का फोन आया है, शादी की तारीख पक्की हो गई। सच? हाँ। बड़ी खुशी की बात। हाँ जी पिताजी। बेटा, हम लोगों ने तेरी शादी की तारीख फिक्स कर दी। पिताजी, क्या ये शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती? नहीं बेटे, तुम्हारे कहने पर ही तो तारीख फिक्स हुई है। हाँ पिताजी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे बकवास बंद करो, लड़की तूने पसंद की है, शादी के लिए जिद तूने की है और अब कहता है कि तू शादी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे लड़की के चाल चलन के बारे में शक है, मुझे बाहर से पता चला है। अगर कोई तेरी बहन के बारे में ऐसा कहे, मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा, शादी उसी तारीख को होगी। ओ डैड, यार सुकू, इंद्रजीत इंस्पेक्टर किरण के हाथों मारा गया और सूर्यकांत जेल में है। हम सब की बर्बादी के पीछे किरण दत्त का ही हाथ है। वो ठीक कहती थी कि उससे दुश्मनी हमें भारी पड़ेगी। जिंदा लाश बना दिया है मुझे। वो कैसे? उसी के हाथों मैं नामर्द बनाया जा चुका हूं। हमने किसी को बताया नहीं है, लेकिन हम दोनों भी कसी हो चुके हैं। क्यों ना मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दे? उससे क्या होगा श्याम शेट्टी, पुलिस किरण को गिरफ्तार कर लेगी, फिर अदालत में केस चलेगा और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम लोग नामर्द हैं। हम लोग जहां से गुजरेंगे, लोग हमें छक्का कहकर पुकारेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। मेरी तो शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी है, वो भी टूट जाएगी। शादी? लेकिन सुहाग रात के दिन ही तुम्हारी बीवी को पता चल जाएगा कि तुम नामर्द हो। तब तक हमें दहेज तो आ चुका होगा। क्यों ना हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें? डॉक्टर? हाँ, लेकिन अगर उसने भी बात फैला दी तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों ना हम किसी दूसरे शहर में चले जाएं, जहां का डॉक्टर हमें जानता ही ना हो। पागल हो गए हो? दुनिया का कोई भी डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर सकता। हम लोग जीते जी कब्र में पहुंच चुके हैं। चलो यहां से। क्या हुआ? आंखें आइए बेवकूफ। आज बंबई के पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों को बताया कि ये कैस्ट्रेशन, नपुंसक बनाने की ये घटनाएं हमारे देश में पहले। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, तुम लोगों को जरा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं दीदी, तो हम चले। जैसे ही ऑपरेशन हो जाए आप दूसरी दो लड़कियों को इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ। बाय। नीलू, ऑपरेशन की सारी तैयारी कर दी? दीदी मैंने पानी गर्म कर दिया है और इंस्ट्रूमेंट भी स्टरलाइज कर दिए हैं। आप कहे तो मैं भी जाऊं। क्या बात है? दीदी मेरे मंगेतर ने मुझे स्वीकार कर लिया है, वो मुझे डिनर पर ले जाना चाहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तुम जाओ, मैं ऑपरेशन कर लूंगी। थैंक यू। पुलिस कमिश्नर ने ये माना है कि आए दिन ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस को ये शक है कि ये उसी गैंग का काम है जो रेपिस्ट्स को कैस्ट्रेट करता है। बंबई शहर में इस संबंध में पत्रकारों को यकीन है कि ये बदले की कार्रवाई है और ये महिलाएं ही हो सकती हैं।
किरण, आशा, क्या बात है? मेरे से खून हो गया है। आशा सुनो, घबराना नहीं, किसी चीज को छूना नहीं, मैं भी आती हूँ। पति और मेरी बेटी दोनों एक ही पल में मुझसे बिछड़ गए। जिसने मेरी बेटी की इज्जत और जान ली, उसे आज मैंने खत्म कर दिया। अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अलविदा। हेलो। हेलो, हेलो सलमा, डॉक्टर आशा मेहता ने आत्महत्या कर ली है। तुम सब लोगों को इन्फॉर्म करके यहाँ जाओ, प्लीज जल्दी आओ। बोरीवली नेशनल पार्क में ताजा खोदे हुए गड्ढों से दो लाशें मिली हैं, एक मर्द की और दूसरी औरत की। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये लाशें किन की हैं। मलाबार हिल की एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर दो नौजवानों ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने लाशों की शनाख्त के बाद बताया कि ये दोनों कैस्ट्रेट करके नामर्द बना दिए गए थे। इनके नाम थे रंजीत और श्याम सेठी। ताजा मिली रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दिनों रेप की संख्या में बहुत कमी पाई गई है। अब तुम ये बता रही हो कि ये टेलीविजन, न्यूज़पेपर और रेडियो में जो आ रहा है, तुम उस गुनाह में भी शामिल हो। तुम मेरी शरीके हयात, मेरी बच्ची की मां हो, ऐसी बाजारी हरकतों पे उतर आओगी ये मैंने कभी सोचा भी न था। तुम क्या समझती हो कि ये सब करके तुम इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रही हो? इंसानियत की खिदमत नहीं कर रही तो क्या, अपनी बहन शाहिना की तो खिदमत कर रही हूँ ना। क्या तुम्हें नहीं जानते उसकी हालत? आज भी मर्द के साये से कांप उठती है उन्हें। तुम क्या समझती हो, इस तरह शाहिना का इलाज हो जाएगा? शाहिना का इलाज नहीं हुआ तो क्या, लेकिन कितनी औरतें शाहिना बनने से तो बच जाएंगे ना। मैंने ये फोटोग्राफ्स आपको इसलिए दिखाए हैं कि शहर में लोगों को नामर्द करने के जितने भी केसेस हुए हैं, अगर आपने गौर किया हो तो उनमें एक बात कॉमन है, और वो ये कि ये सब के सब किसी ना किसी वक्त बलात्कार के जुर्म में पकड़े गए, और इन सब के नाम हमारी पुलिस की फाइल्स में मौजूद। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बचे हुए रेपिस्ट जिनका नाम अभी भी हमारी फाइल में मौजूद है, अगर हम उन पर नजर रखें तो हम इस केस की तह तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। Am I right, मिस्टर? लड़कियों को छेड़ने और बलात्कार के केसेस में कमी आ गई है। ये काम जो भी कर रहा है
पुलिस का ही काम कर रहा है। लेकिन वो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना निहायत जरूरी। साईं, बारात लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मंगनी तोड़ने आया हूँ। साईं मूलचंद जी, आपको मेरी पगड़ी उछालने की वजह बतानी होगी, वरना नहीं तो बारात जाएगी और दुल्हन को साथ लेकर आएगी। बड़ी तुमको अपनी बेइज्जती कराने का शौक है तो सुनो, वो ये है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। तुम्हारा बेटा सुखदेव सोनवानी और के काबिल नहीं है, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? क्या बकवास करते हो? क्या मेरा बेटा नामर्द है? बिल्कुल। जिस लड़के पर भरी अदालत में रेप का केस चल चुका हो, तुम उसे नामर्द कहते हो? अरे बड़ी, तुम्हारे होश ठिकाने हैं कि नहीं? मुझे आज चिट्ठी मिली है किसी केडी की, इसमें साफ साफ लिखा है तुम्हारे बेटे के बारे में। मूलचंद जी, मुझे भी एक चिट्ठी मिली है कि आपकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। आपको आपकी बेटी के बारे में कोई लिखे तो क्या आप मान जाएंगे? किसी दुश्मन ने आपको ये झूठी चिट्ठी लिखी है और आप मान गए? बड़ी अच्छे दोस्त हो तुम। चिट्ठी झूठी हो या सच्ची, अभी अभी फैसला हो जाएगा। डॉक्टर गणोत्रा, इस लड़की को ले जाइए अंदर, मुआयना कीजिए। जी चलिए, आइए कीजिए शौक से। आइए ना, हट जाओ। पिताजी, ये क्या बदतमीजी है? सुखदेव जी चलिए। हाँ हाँ कीजिए। पिताजी, ये लोग हमें डिफेम करने पर तुले हुए हैं और आप इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर ये बात सही नहीं तो टेस्ट करवाने में डरते क्यों हो? यू शट अप यू इडियट। इसका मतलब ये बात सच्ची है? कौन कहता है मैं नामर्द हूँ? मैं नामर्द नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। पिताजी, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता, मेरी इंसल्ट हुई है। I'm going। अरे सुखदेव बाबू, काम का इशू बना रहे हैं, एक मिनट की तो बात है। You bastard! हट जाओ! एक मिनट की तो बात है बेटा, सुनो तो। Get out! सुनो। छक्का छक्का। हेलो हेलो, मालिक के हाथ में जान बची लाख रुपए, असान जो झूलेलाल देखा हुआ मेरा ही पार। ये केडी किरण दत्त हो सकती है। सुखदेव, मैं भी आऊं? नहीं, किरण दत्त से सिर्फ मैं निपटूंगा। ठीक है जा। कौन है? फूल वाला मेम साहब। कोई बात नहीं किरण, मैं फिर आऊंगा। तुम्हारे हाथों मेरे साथियों ने बहुत दुख उठाए हैं जलील। कहा है तुम्हारे साथी? आज मैं अकेला आया हूँ सबका हिसाब चुकता करने। जैसे आए हो वैसे वापस ना जा पाओगे। अपना चेहरा आईने में आखिरी बार देख लो। उससे पहले मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। Yeah.
हेलो सिंपल जी, तुम अभी आ जाओ। क्या हुआ? हेलो 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 सूर्या, तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? ये ले पिस्तौल, चलो। कर कहां जाओगे सुखदेव? अब तुम जिंदगी भर के लिए बेकार हो चुके हो। हम तुम्हें नामर्द बना चुके हैं। चाहती तो उसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा देती, मगर नहीं, तुम्हारी सजा यही है कि तुम इसी तरह जियो, एक आधे अधूरे मर्द की तरह। तुम पर तुम्हारा वंश आकर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी चिता जलाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो चुके हो। हमेशा हमेशा के लिए तुम भी बर्बाद हो चुकी हो। अब तुमसे शादी करने वाला कोई नहीं है। रमेश, बदसात, मैं शादी करूंगा किरण दत्त से। नहीं, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि मैं नामर्द हूं। मैं नामर्द हूं। एक जिंदा लाश हूं। मैं नामर्द हूं। नहीं। Oh!
योर ऑनर, यही वो अदालत है जहां मैंने अपनी कानूनी बाजीगरी दिखाकर सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया है और न जाने कितने मुकदमे जीते। आज भी अगर मैं चाहूं तो अपने मुखालिफ वकील ने जो मेरी मुवक्किला पर कीचड़ उछाला है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, लेकिन आज इस अदालत में मैं अपने कानूनी दावपेच दिखाने नहीं आया हूं, बल्कि शायद आज पहली बार एक सच्चे वकील की हैसियत से इंसाफ और सच्चाई को लेकर आया हूं, और उस सच्चाई की जीती जागती तस्वीर है मिस किरण दत्त। मिस किरण दत्त इस अदालत में जो आज बयान देंगी वो सब उन इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब होगा जो मेरे फाजिल दोस्त ने इन पर लगाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूं, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। ये पवित्र गीता, इस पर सच बोलने की कसम, मुलजिमों के कटहरे में खड़ी हुई एक जख्मी औरत और इंसाफ बांटने वाली अदालत जिसके हाथ उस कानून से बंधे हुए हैं जो इस देश के नेता और लीडर बनाते हैं। माय लॉर्ड, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन ना तो मैं इस अदालत में रहम की भीख मांगने के लिए खड़ी हूं और ना ही मुझे अपने आप को कानून के हाथों से बचाना है। माय लॉर्ड, मैं अपनी सफाई नहीं बल्कि उस कानून के असली रूप को पेश करना चाहती हूं जिसके हजारों चोर दरवाजे हैं, जो बड़े से बड़े पापी और मुजरिम को इस अदालत के इंसाफ से बचा लेता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुल्जिमा बिला वजह कानून और कानून के बनाने वालों पर कीचड़ उछाल रही है। आई सी नो प्रोवोकेशन। मुलजिमा कानून के बारे में अपनी राय जाहिर कर रही है। ये आजाद मुल्क है और यहाँ के हर नागरिक को कानून के बारे में अपनी राय जाहिर करने का हक है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, प्लीज कंटिन्यू। हमारे देश के कानून में कैसे भयानक चोर दरवाजे हैं, इसकी गवाही उस बाप के आंसू देंगे जिसकी बेटी बलात्कार का शिकार हुई और अपने गले में फांसी लगाकर मर गई, लेकिन बलात्कारी इस अदालत से साफ परी हो गए। मिस किरण, यह अदालत बगैर गवाहों और बगैर सबूत के किसी मुजरिम को सजा नहीं दे सकती। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं जानती हूं कि अदालत कानून के हाथों मजबूर है। मैं दोषी उन नेताओं को ठहराती हूं जैसे कमजोर और नाकारे कानून बनाते हैं। मैं उन नेताओं को चुनौती देती हूं कि अगर अब भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली तो उनकी बहन और बेटियों की इज्जत दरबाजा लुट जाएगी। माय लॉर्ड, दुष्ट पापी इस अदालत से साफ बरी हो गए थे जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था, इसलिए कि मेरे पास कोई गवाह नहीं था, लेकिन मैं उस गवाही का क्या करूं माय लॉर्ड, जो मेरे जिस्म और आत्मा पर लगे हुए जख्म हर वक्त देते रहते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं किरण किरण, वो खूनी भेड़िए जिन्होंने अपनी वासना के खंजरों से उस पवित्र कोख को पवित्र किया है जो इंसान और सभ्यता दोनों को जन्म देती है। वो खूनी भेड़िए आज भी जंगल जैसे शहर में आजाद घूम रहे हैं, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं। मैं उस पुकार का क्या जवाब देती माय लॉर्ड, तुम और पाप सहती और चुप रहती। नहीं माय लॉर्ड, ऐसा करना खुद एक बहुत बड़ा पाप होता है। मैंने जो भी किया है उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और ना ही मैं अपने आप को मुजरिम समझती हूँ, लेकिन गवाह हो या ना हो मैं जानती हूँ कि वो पापी थे, मुजरिम थे। माय लॉर्ड, मर्द समाज में हर चीज का मालिक है, रीत रिवाज उसने बनाए हैं, कानून उसने बनाया है। औरत को माता और जननी जैसे पवित्र नामों से जरूर पुकारता है, लेकिन सलूक एक मामूली दासी जैसा करता है। अगर अगर कुत्ता जख्मी हो जाए तो उसे खुशी से अपने घर में रख लेता है, मगर जब एक औरत बलात्कार का शिकार हो जाती है तो उसे कबूल करने से इनकार करता है, और जब वो औरत इस अदालत में मुकदमा लेकर आती है तो उसे गवाह और सबूत मांगे जाते हैं। मिलोर, हर जुर्म का गवाह नहीं होता और अक्सर बलात्कारी आसानी से छूट जाते हैं, यह है आपका इंसाफ। माय लॉर्ड, ये है पवित्र गीता जिस पर हर रोज इस अदालत में सच बोलने की कसम खाई जाती है। अगर अफसोस किसी ने इस किताब के अंदर लिखी हुई सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश नहीं की। इस पवित्र गीता में लिखा है कि सच के लिए ना लड़ना अधर्म है, पाप के खिलाफ ना लड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। मनु ने धर्मशास्त्र में कहा है कि मुजरिम और पापी वेदों का विद्वान ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसे भी फौरन कत्ल कर देना चाहिए और इसमें कोई पाप नहीं है। मुकद्दस कुरान में लिखा है कि जानी को संस्कार कर देना चाहिए। माय लॉर्ड, मैंने जो कुछ भी किया है उसमें गीता कुरान और मनु मेरे पक्ष में है,
यह अदालत किसके पक्ष में है यह मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब तक कानून में मुजरिमों के लिए चोर दरवाजे मौजूद हैं, तब तक उन चोर दरवाजों के बाहर कोई ना कोई किरण उन मुजरिमों को सजा देने के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। वो मैं ना सही, कोई और सही। योर ऑनर, मैं जानती हूं कानून की आंखों में मैं मुजरिम हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि आप मुझे सजा देंगे, लेकिन कितनी? 1 साल, 2 साल, शायद फांसी तक। लेकिन इस पवित्र गीता की कसम, जिस तरह कल तक किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं थी, उसी तरह आज से रहती दुनिया तक कोई भी बलात्कारी किसी जख्मी औरत से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्जिमा का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जय साहब, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, एक मां को अपने फैसले पर अमल करने की इजाजत दीजिए। ऑल राइट, यू आर ग्रांटेड परमिशन। बेटी, यह अदालत तुम्हें क्या सजा देगी यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज से और अभी से मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करती हूं।